नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे तलवंडी सब्बो ट्रैक्टर मंडी बठिंडा पंजाब के अंदर, जो हर बुधवार को ये मंडी लगती है। और सामने आप देख रहे हैं सोनालिका DI 750 थर्ड जो 2017 मॉडल है और 4,80,000 इसकी कीमत की गई। आप सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू चेक कर लीजिए और आते इसके साइड व्यू की तरफ, तो साइड से भी आप इसका व्यू जो देख सकते हैं। यदि हम बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर की जो कंडीशन है वो आप यहां से चेक कर लीजिए। 70+ ही है और 4 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, यहां से आप ये चेक कर सकते हैं। और यदि हम बात करें इसके रियर टायर की, तो रियर टायर की जो कंडीशन है वो भी 65 से ऊपर ही है और ये प्लेटफॉर्म का आप व्यू देख सकते हैं, यानी कि 65% से ज़्यादा है इसकी जो रियर टायर की कंडीशन है। और आगे यदि हम बढ़ते हैं, तो आगे हमको स्वराज 966 FE देखने को मिलता है, जो 2017 मॉडल ट्रैक्टर है और 4,99,000 इसकी कीमत की गई है। कीमत वैसे मंडियों में एक्स्ट्रा लिखी जाती है, नेगोशिएबल होती है, ये लगभग सभी वीडियोज़ में बताया जाता है मेरे द्वारा। आप एक बार इसका फ्रंट साइड से व्यू देख लीजिए और हम बात करें इसके साइड व्यू की, तो आप इस साइड से भी इसका जो साइड व्यू है वो चेक कर सकते हैं। और फ्रंट टायर की कंडीशन की हम बात करें, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आते हम इसके रियर टायर की तरफ, तो रियर टायर की कंडीशन लगभग 50% के आसपास लगा सकते हैं आप। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप इसका चेक कर सकते हैं। और इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं, तो आगे हमको सोनालिका इंटरनेशनल DI 60 देखने को मिलता है, जो 2002 मॉडल है और 2,40,000 इसकी कीमत की गई है। सामने से आप इसका एक फ्रंट व्यू देख सकते हैं, ये साइड से आप। और आगे यदि हम साइड की तरफ आते हैं, तो आप इसका साइड व्यू भी देख लीजिए। यदि बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो 650/20 के इसमें फ्रंट टायर हैं और कंडीशन लगभग 50%। और रियर टायर की हम बात करें, तो रियर टायर की कंडीशन भी लगभग 50+ है और ये प्लेटफॉर्म का व्यू आप यहाँ से इसका चेक कर सकते हैं। और यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको स्वराज 735 FE देखने को मिलता है, जो 1998 मॉडल हैं और 1,55,000 इस पर कीमत की गई है। यदि हम इसके फ्रंट टायर की बात करें, तो फ्रंट टायर की कंडीशन इसकी आपसे आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है वैसे। 1,55,000 इस पर कीमत की गई है, 1998 मॉडल है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है ये। और रियर टायर की हम बात करें, तो रियर टायर भी आप यहाँ से देख लीजिए, कंडीशन एकदम ओके है, बिल्कुल नए वाले रियर टायर हैं। और ये आप इसका प्लेटफॉर्म की जो कंडीशन है वो भी आप देख सकते हैं, जो जैसी भी कंडीशन है सुस्पष्ट तरीके से आपको दिखाई जाती है, किसी प्रकार का फेरबदल हमारे द्वारा नहीं किया जाता। आगे आपको सोनालिका DI 35 देखने को मिलता है, जो 2006 मॉडल ट्रैक्टर है और 1,80,000 इस पर कीमत की गई है। सामने से आप इसका एक फ्रंट व्यू देख सकते हैं। और ये आप इस साइड से भी इसका जो व्यू है वो देख लीजिए, फ्रंट टायर की जो कंडीशन है 50% से ऊपर है और रियर टायर की जो कंडीशन है वो लगभग 40% के आसपास है, शायद आप देख चुके हैं। और इससे आगे हमको देखने को मिलता है जॉनडियर 5305, जो 2018 मॉडल है और 6,10,000 इस पर कीमत की गई है। आप सबसे पहले इसका जो फ्रंट व्यू है वो एक बार देख सकते हैं या एक नज़र दौड़ा सकते हैं। और यदि हम इसके साइड व्यू की तरफ आएँ, तो आप इस साइड भी इसका व्यू देख लीजिए, फ्रंट टायर की जो कंडीशन है वो एकदम ओके है, बिल्कुल नहीं है। और रियर टायर की कंडीशन भी बेहतर है बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। 3305 मॉडल 6,10,000 इसकी कीमत की गई है। और इससे आगे हमको स्वराज 735 FE देखने को मिलता है, जो 1998 मॉडल है और 1,98,000 इसकी कीमत की गई, यानी दो लाख के आसपास आप बोल सकते हैं। और पंजाब नंबर ये ट्रैक्टर है, साइड व्यू आप इसका देख सकते हैं।
फ्रंट टायर इसके 616 के हैं, कंडीशन एकदम अच्छी है और ये टायर की कंडीशन भी बेहतर है काफ़ी। आप यहाँ से देख लीजिए और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप इसका देख सकते हैं। और ये इस साइड आपने जो ट्रैक्टर अभी देखे इस वीडियो में और काफ़ी सारे ट्रैक्टर अदर साइड भी खड़े हैं जो आपको डे बाय डे वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।